हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है, अब बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल में हम पनीर को फ्राई करेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं। पनीर को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, अब पलट देंगे। सारे पनीर फ्राई हो गए हैं, अब निकाल देंगे इनको। उसके बाद इसी पैन में हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन है, जिसे हमने बारीक काटा हुआ है। इसे 15-20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन फ्राई हो गया है, अब इसमें 1 बड़ा प्याज ऐड करेंगे, जिसे बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। प्याज को भी 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है फ्राई। उसके बाद 1 शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, जिसे हमने ऐसे ही बड़े टुकड़ों में काटा है। इसे भी 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। 2-3 हरी मिर्च हैं, इन्हें भी डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गए हैं, अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे और 1 चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे। नमक डाल देंगे, सॉस में भी नमक रहता है इसलिए कम नमक डालना है। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, इसे भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। विनेगर डालेंगे 1 चम्मच, उसके बाद कॉर्नफ्लोर पाउडर को 1 चम्मच पानी में घोल के डालना है। ये मैंने पहले से घोल के रखा है, इसे डाल देंगे। थोड़ी देर चला लेंगे, उसके बाद फ्राई की हुई पनीर ऐड करेंगे। अब मिक्स कर लेंगे सभी को, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बन गया है हमारा चिली पनीर, फ्लेम बंद कर देंगे। बन गया है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चिली पनीर। अब इसमें हरी वाली प्याज भी डाल देंगे।
बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।